तो वीवर्स कबाब जो हैं इस टाइम बिल्कुल रेडी हो चुके हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि इनका कलर जो है वो कितना अच्छा आया है। और साथ ही सब्ज़ मिर्ची रखे ताकि उनका फ्लेवर भी जो है वो भी इनमें आ जाए। और वैसे भी ये इस तरह की जो मिर्ची है ना फ्राई हुई वो बहुत अच्छी लगती हैं। साथ ही मैंने प्याज के रिंग काट के तो वो भी रख रही हूँ, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। इनका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। इस तरह तली हुई प्याज और सब्ज मिर्चें टमाटर, इनका टेस्ट बहुत डिफरेंट होगा। अदरवाइज जो कच्चा रखे तो उसका टेस्ट और तरह का होता है। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि कोई भी कबाब जो है वो फ्राई करते हुए टूटा नहीं है। जो हमने मैदा भून के डाला है ना उसकी वजह से बाइंडिंग बहुत अच्छी हुई है और एक भी कबाब किसी भी जगह से टूटा नहीं है। वो सेम टाइम ये होता है कि किसी जगह पे कीमा थोड़ा कम हो जाता है तो उसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा सा हो जाता है, अदरवाइज़ कोई भी कबाब जो है वो फ्राई करते बिल्कुल भी नहीं टूटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला की रहमत से और उसकी बरकत से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जी मैं भी आप सबकी दुआ से अल्लाह का लाख शुक्र है कि बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो व्यूअर्स ये चॉपर है जो कि आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने वॉश करके रखा है। तो इसी से पहले घर में ही जो कीमा है वो बीफ का वो बनाया गया है, ये बारीक वाला लीवर जो है ये लगा के, क्योंकि इसके लिए बारीक कीमा चाहिए और वो भी मैंने 2 बार इसको किया चॉप। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं मरियम वीज फैमिली व्लॉग। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहला ये काम करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें, बेल आइकन के बाद ऑल को प्रेस करें। तो भी बस ये 3 काम आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, जब भी किसी के चैनल को सब्सक्राइब करें तो ये 3ों काम ज़रूर किया करें। तो व्यूअर्स आते हैं कीमे की तरफ। तो ये कीमा जी हो चुका हुआ है, ये थोड़ा सा गोश्त रह गया, और इसी के साथ प्याज को भी और सब्ज़ मिर्चें जो हैं इसी के साथ ही चॉप कर ली गई हैं। होता ये है कि मतलब कि बाद दफ़ा ये होता है कि अलहदा चॉप करके भी हम उसका पानी अच्छे से निचोड़ के तो फिर कीमे में डाल लेते हैं, बट मैंने इसके साथ ही इनको चॉप किया है। और चॉप करने के बाद फिर मैंने एक बारीक सुराख वाली बास्केट ली, उसके अंदर मैंने रख के जैसे आटा गूंदते हैं इस तरह मैंने उसको इतना प्रेस किया कि उसकी ये कंडीशन आ गई है। इसका जितना भी पानी था वो सारे का सारा निकल चुका हुआ है। तो अब बारी आती है मैरिनेशन की। तो इसमें मैंने डाला है जी ये वाला सीख कबाब मसाला। कभी मैं ये वाला मसाला ऐड कर लेती हूँ और कभी घर में बना के सारे मसाले मिक्स करके उनको ग्राइंड करके तो वो भी डाले जा सकते हैं, तो वो भी मैं किसी दिन इंशाल्लाह ताला बनाऊँगी। तो ये जी जितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए, जितना स्पाइसी चाहिए उतना मैंने डाला, क्योंकि सब मिर्चें भी काफ़ी डाली हैं इसके अंदर। और इसके अंदर जी नमक डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है मैंने, इसका ख्याल ये रखना होता है कि पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब पानी होता है तो कबाब सारे टूट जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इतना उसको आटे की तरह जैसे प्रेस कर करके तो मैंने हाथों के साथ उसका सारा जो पानी था वो निकाला है। अब ये कीमा बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल ड्राई। तो साथ ही जी कुटी सुरख मिर्च डाली है, ये भी अच्छी लगती है ना, इसके बीज जब नज़र आते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। तो सब्ज़ धनिया काट के तो वो डाल दिए हैं,
इससे भी लुक बहुत अच्छी लगती है। तो भी बस इसकी बाइंडिंग के लिए जो है वो मैंने बर्नर ऑन करके उसके ऊपर रखा है तवा, तो बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर। और मैं इसके अंदर 3 से 4 चम्मच जो है वो मैदा, वाइट फ्लोर जो होता है वो भून के डालूंगी, क्योंकि कच्चा भी डाल लेते हैं तो, लेकिन उससे ये होता है कि हल्की सी उसकी स्मेल फील होती है मैदे की, तो इससे ये होता है कि हल्का सा भून के तवे पे या किसी भी पैन में तो वो डालें तो उसकी स्मेल जो होती है वो ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती, पता ही नहीं चलता कि इसमें मैदा डाला है। तो इसलिए इसको हल्का सा भून के तो फिर इस पे शामिल करना है। बाइंडिंग के लिए मैदा भी डाला जा सकता है, और कभी कभी तो मैं इसमें ब्रेड क्रम्स भी डाल लेती हूँ। जो सादा ब्रेड होती है एक मीठी वाली होती है और एक सिंपल होती है, तो जो मीठी नहीं होती उसके क्रम्स बना के तो उसका चूरा जो है वो भी बाइंडिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो इस दफ़ा तो मैं डाल रही हूँ मैदा। अब इसकी खुशबू आनी शुरू हो गई हुई है। तो अभी बस मैदे का कलर हल्का सा चेंज हुआ है और ये भुना जा चुका हुआ है, तो इसको जी अब ठंडा करेंगे। ठंडा करके तो फिर ये भी मैंने कीमे में डाल दी है, गरम नहीं डालना, ठंडा मैंने डालना है इसको। तो ये थोड़ा सा ऑयल डाला है, ऑयल मैंने 1 चम्मच तक डाला है। इसमें मैं घी डालूंगी। तो भी बस ये सारे मसाले जो हैं ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। तो ये जी है घी, इसको मेल्ट करके ठंडा कर लिए तो ये जाएगा। ये इसलिए जाता है कि चर्बी इसमें कम है, क्योंकि चर्बी का होना ज़रूरी होता है, कबाब फिर ज़्यादा अच्छे बनते हैं, तो चर्बी इसमें बहुत कम थी तो इसलिए फिर मैंने घी मेल्ट करके ठंडा करके तो वो डाल लिया। तो इन सबको कर लिया है मिक्स, अच्छे से मिक्स कर लिए। इसकी मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि सारे मसाले जो हैं वो सारे कीमे में एक जैसे हों, ये ना हो कि कहीं मिर्च ज़्यादा हो गई है तो कहीं कम हो गई है। इसको अच्छे से मिक्स किया मैंने। तो भी बस अब मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक की पेस्ट, वो मुझे पहले याद नहीं रहा तो वो मैं अब उसमें ऐड कर रही हूँ। ऐसा हो जाता है कभी कभी, कोई चीज़ मिक्स हो जाती है, तो मिस होने की वजह से इसमें मैं अब शामिल कर रही हूँ। लहसुन अदरक की पेस्ट का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ये ज़रूर डालनी चाहिए। तो भी बस मिक्स करके इसको मैंने मैरिनेशन के लिए बहुत टाइम दिया है। अगर रात को बनाना हो तो सुबह मैरिनेट करके रख देना चाहिए, और अगर सुबह बनाने हैं तो रात को करना चाहिए, बल्कि अच्छा खासा टाइम दिया मैंने भी इसको। क्योंकि मैरिनेशन टाइम ज़्यादा देना चाहिए, उससे फिर उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। कम टाइम में मैरिनेशन में बन तो जाते हैं, लेकिन ये कि वो चीज़ नहीं बनती है, वो टेस्ट नहीं बनता, तो इसलिए मैरिनेशन टाइम जो है वो ज़्यादा देना चाहिए।
तो व्यूवर्स अब बारी आती है कबाब बनाने की। तो ये पानी मैंने साथ रखा हुआ है, हाथों को पानी लगा के तो फिर इसके कबाब बनाए जाएंगे। और ये एक बड़ी सीख है, काफ़ी मोटी है ये सीख कबाब के लिए। तो ये भी मैंने रखी है कि जब मैंने फ्रीज़ करने होते हैं तो फिर इसके ऊपर बना के तो फिर मैं उनको फ्रीज़ कर लेती हूँ। और ये बारबेक्यू स्टिक्स हैं, वुड की बनी हुई। तो जो मैंने फ्राई करने हैं, अभी फ्राई करने हैं, तो वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, और जो मैंने फ्रीज़ करने हैं वो मैं बड़ी सीख के ऊपर लगाऊंगी। तो अभी बस एक मैंने ट्रे जो है वो साथ रखी है, तो बना के तो उसमें मैं रखती जाऊंगी। स्टिक्स भी अच्छी से साफ की हैं। तो व्यूवर्स, मैरिनेशन के बाद ये है कि अब ये ऐसी चीज़ है कि जिसको हम टेस्ट करके नहीं देख सकते कि इसमें मसाला ठीक है, नमक कम तो नहीं, ज़्यादा तो नहीं। तो इसलिए फिर मैं ये करती हूँ कि इसको थोड़ा सा तवे के ऊपर जो है वो फ्राई करके उसको टेस्ट कर लूँगी, क्योंकि इस तरह टेस्ट तो हम कर सकते हैं ना, कच्चे को तो हम नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने तवे के ऊपर ऑयल डाल के तो थोड़ा सा कीमा लेके तो उसको मैं फ्राई कर रही हूँ, और इसको ठंडा करके फिर मैं टेस्ट कर लूँगी। अगर मुझे नमक कम लगा तो मैं और ऐड कर सकती हूँ, मिर्च भी ऐड कर सकती हूँ। तो इस तरह से मैं कोई भी कबाब बनाऊँ जो कच्चे कीमे के होते हैं, तो इस तरह से मैं टेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि कच्चा कीमा तो आप टेस्ट नहीं करते। जैसे शामी कबाब का मसाला होता है तो वो पक चुका होता है, वो आप टेस्ट कर सकते हैं। तो विवज अब है कबाब बनाने की बारी। तो ये जो स्टिक्स हैं ये मैं चार चार यूज़ करूँगी, क्योंकि जब सिंगल यूज़ करते हैं तो उसका होल बहुत बारीक हो जाता है और कीमे की लेयर बहुत मोटी हो जाती है। उसका ये होता है कि फिर जब फ्राई करते हैं तो कीमा अंदर से कच्चा रह जाता है या स्मेल आती है उसकी। तो अब ये सीख के ऊपर जो लगाया है तो आप देख सकते हैं कि सीख कितनी मोटी है। तो इसके ऊपर जो कीमा है उसकी लेयर बारीक है, ठीक है जी। और इसी तरह से अगर हम ये बारबेक्यू स्टिक्स जो हैं वो सिंगल लगाते हैं तो वो बहुत बारीक होगी और लेप बहुत मोटी हो जाएगी। तो उसका भी यही होता है कि कच्चा रह सकता है। तो इसलिए मैंने सिंगल की बजाय चार चार लगाई हैं, ताकि कीमे की लेप जो है वो थोड़ी सी कम हो जाए, ताकि फ्राइंग में हमें मसला ना हो, उसमें स्मेल ना आए। तो व्यूवर्स, जितने कबाब हमने अब खाने हैं उतने मैंने स्टिक्स के ऊपर लगाए हैं, और जो बाकी कीमा बच गया है वो सीख के ऊपर लगा के तो कबाब जो हैं वो अलग-अलग हो जाएंगे। और जी ये मैंने इसी तरह से किया है, स्टिक्स के ऊपर वो लगाए हैं जो फ्राई करने हैं, और बाकी जो हैं वो सीख के ऊपर लगा लगा के तो इस तरह से उतारती गई हूँ, और वो बाकी मैं जो है वो फ्रीज़ कर लूँगी। तो भी बस मेरी नेचर है कि जितनी चीज़ खानी होती है सिर्फ उतनी ही बनाई जाती है, ज़रूरत पड़े तो फिर बन जाती है। तो वो वाला काम मैं नहीं करती कि बना के तो दो दो दिन फिर उसको खाते रहो, तो वो खाया भी नहीं जाता है और चीज़ वेस्ट भी होती है। उस टाइम टाइम ये होता है कि पड़ी रहती है तो बाद में जी उसको फेंक दो। तो अल्लाह का रिज़्क है, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो इसलिए फिर ये जितने खाने हैं मैंने उतने ही उसको फ्राई करना है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि भाई इतने काम क्यों, जितनी रिक्वायरमेंट है, जितने हमें पता है कि हम खाएंगे तो हम उतने ही बनाएंगे। तो बाकी जो है जी वो हम फ्रीज़ करेंगे, वो जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो फिर हो जाएंगे।
तो व्यूज़, अल्लाह का रिस्क है, ये कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती है कि चीज़ काम क्यों है, वो जितनी ज़रूरत है उतनी ही बनाई जाएगी। तो खाने में भी मैं ऐसे ही करती हूँ कि जितनी रिक्वायरमेंट होती है बस उतना ही बनाती हूँ। तो ये वाले जो हैं जी, ये मैंने फ्राई करने हैं, ये मैंने अलग-अलग रख लिए हैं, और बाकी जो हैं वो डिब्बे में पैक करके तो फ्रीज़र में रख दिए। तो व्यूवर्स, अब बारी आती है इनकी फ्राइंग की। बर्नर मैंने ऑन करके उसके ऊपर रख दिया है तवा, मैं तवे के ऊपर इसको करूँगी। तो हल्की आंच के ऊपर जी इसको करना है फ्राई। तो कबाब रख दिए हैं मैंने ऑयल के अंदर, आंच बहुत स्लो रखी है क्योंकि ये कच्चे कीमे की कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो जो फ्लेम होता है वो बहुत स्लो रखना चाहिए ताकि कीमा जो है वो अंदर तक पक जाए। तो व्यूअर्स, आपको ये फिंगर के निशान कबाब के ऊपर नज़र आ रहे होंगे तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये ज़रूर बनाने चाहिए। मैदे की वजह से इनकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हुई है, आप देख सकते हैं कि रखने से बिल्कुल भी वो नहीं टूट रहे हैं, वरना ये होता है कि बाइंडिंग अच्छी ना हो तो थोड़ा सा फ्राई होने पे भी वो टूट जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये नहीं टूटेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि बाज़ दफ़ा कहीं से लेयर कीमे की पतली हो जाती है तो उसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा सा वो मसला हो जाता है, अदरवाइज़ एक जैसी लेयर हो तो कहीं से भी ये नहीं टूटता। ब्रेड क्रम्स की बाइंडिंग भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर ब्रेड मीठी ना मीठी ब्रेड जो होती है वो पे कबाब का टेस्ट ख़राब कर देती है। तो जो सिंपल ब्रेड होती है तो वो वाली उसके ग्राम डाले तो वो भी बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आ जाता है। तो अभी बस एक साइड जो है इनकी फ्राई हो गई है, तो अब जो इनकी साइड जो है वो चेंज कर रही हूँ। अभी बस आप देख रहे हैं कि आंच जो है वो बहुत स्लो है, बहुत हाई फ्लेम पे मैं इसको फ्राई नहीं कर रही हूँ। स्लो पे रखेंगे तो कबाब इंशाल्लाह ताला अंदर तक जो है ना वो पक जाएंगे, इसमें बिल्कुल भी स्मेल भी नहीं आएगी और बहुत अच्छा कीमा जो है वो पक जाएगा। और ये इसी वजह से है कि मैंने स्टिक्स चार ली हैं ताकि कीमे की लेयर जो है वो थोड़ी सी पतली हो जाए। व्यूअर्स, मोटी लेयर भी हो तो फ्राई वो हो तो जाते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि फिर टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि कीमे की लेयर मोटी होती है, तो फिर उसको पकाने के लिए फिर हमें ज़्यादा टाइम जो होता है वो रिक्वायर होता है। तो इसलिए फिर उसको बारीक रखा है, चार स्टिक्स यूज़ कर ली हैं ताकि ये जल्दी फ्राई हो जाए। तो व्यूअर्स, अब तकरीबन जो कबाब हैं वो फ्राई हो चुके हुए हैं, एक जैसा कलर आ चुका हुआ है। आप देख रहे हैं कि एक भी कबाब जो है वो नहीं टूटा, जितने मैंने रखे हैं वो उतने के उतने ही हैं, कोई भी कबाब नहीं टूटा है किसी भी जगह से, क्योंकि इनकी बाइंडिंग जो है वो बहुत अच्छे से हुई है। और मैदे के अलावा मैंने बाइंडिंग के लिए और कोई चीज़ नहीं डाली। आप ये देखें कितने जूसी कबाब बने हैं, ये जहाँ से बारीक लेयर आ जाती है या थोड़ा सा प्रेस करें तो ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ये इसका हो जाता है, अदरवाइज वैसे वो कहीं से भी नहीं टूटा। तो ये साइड वाला जो है वो सेंटर में कर लेते हैं, तो क्योंकि साइड पे थोड़ा सा कम ऑयल है तो वो थोड़ा सा कच्चा रह गया।
तो व्यूवर्स, इनकी फ्राइंग का जो होता है वो ख़ास ख्याल रखना होता है। ये भी देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया, कि हल्की आंच पे रखना है ताकि अंदर तक जो कीमा है वो पक जाए। और आप देख सकते हैं कि कितने जूसी हैं, बिल्कुल अंदर वो ड्राई वाली चीज़ नहीं है। वो इस वजह से है कि जो उसके अंदर मैंने घी मेल्ट करके तो वो डाला है, क्योंकि वैसे तो होता है कि चर्बी जो है वो शामिल की जाती है और उसके बगैर कबाब अच्छे नहीं बनते हैं। तो गोश्त में ये था कि चर्बी कम थी, तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने घी डाला है। ये नहीं कि चर्बी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन कम थी। तो इसमें चर्बी हो तो फिर कबाब जो होते हैं वो अंदर से सॉफ्ट भी बनते हैं और जूसी भी बनते हैं। क्योंकि वीवर्स आपने देखा है कि जो कीमा है उसका तो पानी बहुत अच्छे से मैंने निकाला है, तो वो तो बिल्कुल ड्राई हो गया हुआ, उसमें तो पानी नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई थी। तो अब ये है कि उसको थोड़ा सा मॉइस्चर देने के लिए घी जो है वो डाला जाता है, चर्बी डाली जाती है, ताकि कबाब अंदर से ड्राई ना हो, क्योंकि ड्राई कबाब जो होता है वो बिल्कुल नहीं खाया जाता। अब ये जो फ्राई हो चुके हुए हैं ये मैं साइड पे कर दूंगी ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। अब इसमें थोड़ी सी कमी है तो ये भी हो जाएगा। तो व्यूवर्स जो एक्स्ट्रा ऑयल है फ्राई हो चुके हैं, अब जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो मैंने निकाल दिया है और थोड़ा सा मैंने रखा है, और साथ रख दी हैं जी सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चों का ये है जी कि ये भी थोड़ी सी फ्राई हो जाएंगी तो ये खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, कच्ची भी बहुत अच्छी लगती है खाने के साथ। और इस तरह से फ्राई सब्ज़ मिर्चें और ये जी प्याज के रिंग जो हैं वो काट के तो वो भी करेंगे फ्राई। और जी साथ ही टमाटर काट के तो वो भी रख रही हूँ ताकि थोड़े से वो भी फ्राई हो जाए, तो इनका टेस्ट बहुत चेंज हो जाता है, सब्ज़ मिर्चों का, प्याज का, टमाटर का। तो कच्चे और तरह का टेस्ट होता है, लेकिन जब इस तरह से फ्राई करते हैं तो इनका टेस्ट जो है बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छा लगता है। अब ये प्याज और ये टमाटर जो हैं वो साइड पे रखे हैं ताकि हल्की हल्की आंच पे साथ साथ ये भी होते जाएं। तो जी इनको बारबी फ्लेवर देने के लिए जो कोयला है वो मैंने रखा है चूल्हे के ऊपर, इसको मैं करूँगी अच्छा सा गर्म। और इससे फिर हम बारबेक्यू फ्लेवर जो है जी वो कबाब के स्मोक देंगे, तो वो बारबेक्यू फ्लेवर उसमें शामिल हो जाएगा। इसका स्मोक तो है बहुत ही अच्छा लगता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है।
तो बारबेक्यू तो नहीं कर रहे हम, लेकिन ये कि इसका फ्लेवर उसमें ऐड हो जाएगा तो वो ऐसे ही लगेगा जैसे बारबेक्यू की है। तो भी बस ये तकरीबन जो है जी वो रेड होना शुरू हो गया, बल्कि इतना ही चाहिए। तो ये मैंने तवे के ऊपर ही जी उसको रखा, फॉइल पेपर उसके ऊपर कोयला रखा, और कोयले के ऊपर डालना है जी ऑयल। ऑयल डाल दें, घी डाल दें, कुछ भी डाल दें, तो इसका फिर ये स्मोक बहुत अच्छा, इसी का फ्लेवर अच्छा लगता है फिर। कबाब मैंने सेपरेट कर लिए हैं क्योंकि बहुत अच्छा सा स्मोक आया, स्मोक रख के तो फिर उसके ऊपर आप किसी भी चीज़ के साथ उसको कवर कर दें ताकि स्मोक का सारा जो फ्लेवर है वो आपको उसमें मिल जाए। तो ये जी थोड़े से और फ्राई कर रही हूँ। तो अब जी बारी है रोटियां बनाने की, तो साथ बनेंगी घर की रोटी। तो भी बस कुछ प्रॉब्लम की वजह से घर में रोटी तो नहीं बन सकी, तो फिर मजबूरन हमें तंदूर से लानी पड़ी है। तो रोटियां जी तंदूर की आ चुकी हुई हैं, साथ कबाब भी रेडी हैं। अब हम करेंगे इनको टेस्ट। खाने के लिए बर्तन मैंने लगा दिए और जी अब इनको एंजॉय किया जाएगा। तो भी बस आज की वीडियो जो है, मेरी मेहनत जो है आपको कैसी लगी है, तो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो भी बस मेहनत तो हर काम में होती है। तो अब ये आपको मैं दिखाती हूँ कि अंदर से बिल्कुल जूसी हैं, ड्राई नहीं हैं, ये देख सकते हैं आप। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा टेस्ट है इनका, शुक्र अल्लाह का कि बहुत अच्छा टेस्ट आया है। और जो इसका स्मोक का जो फ्लेवर है ना, उसकी तो क्या ही बात है, वो बहुत अच्छा लगता है। और फ्राई साथ सब मिर्ची हैं, टमाटर और अनियन के रिंग जो हैं, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं खाने में, इनका डिफरेंट टेस्ट है। ये देखें ना, बिल्कुल जूसी हैं, और वो जूसी किस वजह से हैं, जो मैंने घी डाला है और थोड़ी सी चर्बी है। अगर घी और चर्बी ना हो तो ये बिल्कुल ड्राई होते हैं, और ड्राई तो ये बिल्कुल नहीं खाए जाते। तो साथ ये बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, ये सब्ज़ मिर्चों का, टमाटर का और प्याज का, ये जो फ्राई किए हैं बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है। और फ्राई सब्ज़ मिर्च का तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो भी बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अपना और अपने घर वालों का और अपने हमसायों का, आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो भी बस आज की जो रेसिपी है इसको ट्राई भी आपने करना है, अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक भी करना है। तो मुझे आपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके भी बताना है कि मेरी आज की काविश कैसी लगी है। छोटी सी मेहनत है, जितनी भी है, जैसी भी है, मेहनत तो मेहनत होती है। तो आपने अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना है।
तो भी बस मुझे अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपको बहुत याद रखती हूँ, सबके लिए दुआ करती हूँ। तो आप भी प्लीज़ 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 मेरे लिए बहुत दुआ किया करें कि अल्लाह ताला जो है मुझे हिम्मत और ताकत दे और आपके लिए मैं अच्छे से अच्छा व्लॉग बनाऊँ, जितना नॉलेज है आपके साथ शेयर करूँ। तो जी मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।